सब्सक्राइब करें सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। गाइस स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम पर। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी कि 2-3 दिन से मैं आप सभी के लिए जॉब वैकेंसी नहीं लेकर के आ रही थी, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार जॉब वैकेंसी सरकारी भर्ती में लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ LAHDC पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रोफाइल की नौकरी, देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टर की जॉब जो कि आई है आपकी NBCC में, देन इसके बाद डिस्कस करेंगे नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी, और लास्ट वैकेंसी जो आज की होने वाली है ये होने वाली है मेडिकल एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल। तो गाइज चार प्रोफाइल पर आज हम बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती देखो .com सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर सरकारी नौकरी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है और मिलती रहे। तो गाइज बेसिकली फर्स्ट वैकेंसी हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी आई है LAHDC पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आई है। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना करियर यहाँ पर सरकारी भर्ती में बना सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस 55 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों, 55 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 मार्क्स जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होना चाहिए, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो गाइज मैं आपको फिर से बता दूं, 50% मार्क्स जनरल एंड OBC के लिए एंड 45% मार्क्स जो है वो ST and SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड है। ओपनिंग डेट 10/4/2021 है एंड लास्ट डेट जो है ये 30 अप्रैल 2021 है। 30 अप्रैल 2021 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अभी काफ़ी सारी जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन लगने से आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए, क्या पता इसके जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो जाए। तो गाइज आपको प्रॉपर चीजें यहां पर दी गई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, और इस वैकेंसी के लिए 10 अप्रैल 2021 से पहले अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आज की डेट की आपकी जो है ये NBCC इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, 2021 की रिक्रूटमेंट है, सरकारी रिजल्ट वैकेंसी है दोस्तों। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि 120 पदों के लिए इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है आई है, और यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये डिप्लोमा पास सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी के से आपका जो है आपके पास डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, और साथ ही साथ स्टार्टिंग डेट जो है ये मार्च में हो चुकी थी और लास्ट डेट जो है वो आपकी 30 अप्रैल 2021 है। जी दोस्तों मैं आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि 30 तारीख आने वाली है, तो अगर आपने इनमें से किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई अभी तक नहीं किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, 30 तारीख में काफ़ी दिन बचे हैं, 10 दिन के आसपास बचे हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है ये 35 साल की है, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो होने वाला है ये आपका एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो गाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑल ओवर इंडिया लोकेशन पर ये वैकेंसी है। गाइस अप्लाई लिंक मैंने आपको दे दिया है, प्लस नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको यहां पर दे दी है, तो आप इस वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, देन इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई भी कर सकते हैं। थर्ड वैकेंसी दोस्तों आज की डेट की आपकी जो होने वाली है ये 10th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। जी दोस्तों अगर आपने 10th पास की है और तो आपके लिए एक अच्छी सरकारी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ग्रुप डी की पोजीशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं।
सो गाइज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि 98 पोजीशन पर वैकेंसी आई है ग्रुप डी के लिए, 98 पोजीशन वैकेंट है, खाली है ग्रुप डी के लिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट ज्यूडिशरी ऑफ त्रिपुरा के लिए। गाइज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल की एज यहाँ पर मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली 5 years ST SC वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है। पे स्केल की बात करें तो गाइज आप यहाँ पर पे स्किल चेकआउट कर सकते हैं, 4840 से लेकर के 13,000 तक का ग्रेड पे है, प्लस 1400 तक का ग्रेड पे जो है आपको दिया जा रहा है। फिक्स्ड पे आपको 12,000 रुपए मंथली मिला जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र अगर आपने 8th पास की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपने 8th पास की है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन एग्जाम और वाइवा होने वाला है, वॉइस टेस्ट इंटरव्यू आपका होने वाला है, और जो एग्जामिनेशन फीस है ये 200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 100 रुपीज़ जो है ST SC वालों के लिए यहाँ पर जो है ली जा रही है। लास्ट वैकेंसी की दोस्तों बात करें जो कि आपकी सरकारी भर्ती है उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 12th पास क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपने 12th पास की है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 86 पदों पर मेडिकल एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है ये MBBS का डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 10/4/2021 से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू हो गए हैं, 30/4/2021 इसकी लास्ट डेट है, और साथ ही साथ एज क्वालिफिकेशन इसमें 35 से लेकर के 56 ईयर्स तक मांगी गई है। डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहे हैं, किसी तरीके का रिटन एग्जाम नहीं है, आपको यहां पर सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर सेलेक्ट किया जा रहा है। ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, ईमेल आईडी यहां पर आपको दी गई है, लोकेशन जो है ये मध्य प्रदेश की होने वाली है। तो गाइज ये 4 वैकेंसी हैं आपकी, 4 सरकारी भर्ती हैं जो कि आप इसी महीने 30 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए और डायरेक्टली इन नौकरियों में अप्लाई करिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और सरकारी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।